नमस्कार, हमारी पाकशाला में आपका स्वागत है। फूली फूली पूरियाँ देखने और खाने दोनों में बहुत अच्छी लगती है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पूरियाँ बनाने के लिए मैं 2 बॉल गेहूँ का आटा ले रही हूँ। आटे में 1 चम्मच अजवाइन को हाथ में क्रश करके डाल देते हैं। 1/2 चम्मच नमक डाल देते हैं। पूरियों में अजवाइन और नमक का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब आटे के बीच में जगह बनाकर 3 छोटी चम्मच ऑयल डाल देते हैं। आप घी भी यूज कर सकते हैं। अब इन्हें मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा लगा लेते हैं। आटा बहुत ज़्यादा सख्त या नरम नहीं होना चाहिए। आटा लग गया है। अब इसे ऑयल से ग्रीस करके 10 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर छोड़ देते हैं। दस मिनट हो चुके हैं। आटे को निकाल कर फिर से नीड कर लेते हैं। आटे के 3 हिस्से करके लोइयां काट लेते हैं। मैंने सारी लोइयां काट ली है। इन्हें हाथ से गोल कर लेते हैं। अब ऑयल लगाकर इन्हें ग्रीस कर लेते हैं ताकि ये आपस में चिपके नहीं और सूखे भी नहीं। अब चकले पर ऑयल लगाकर 1 लोई लेते हैं और हल्के हाथ से बेल लेते हैं। बीच में से ज़्यादा पतला और कॉर्नर ज़्यादा मोटा ना करें, इससे पूरियाँ फूलती नहीं है। ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इस बेली हुई पूरी को उठाकर कढ़ाई में आराम से डाल देते हैं। ऑयल पूरा गर्म है, इसलिए डालते ही पूरी फूलकर ऊपर आ गई है। इसे पलटकर दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेते हैं। अब इसे निकाल देते हैं। इसी तरह दूसरी पूरी भी बेल लेते हैं। और उठाकर आराम से ऑयल में डाल देते हैं। ये देखिए, डालते ही पूरी फूल गई है। पलट कर फ्राई कर लेते हैं और अब इसे भी निकाल देते हैं। इस तरह मैं सारी पूरियां फ्राई कर लेती हूँ। मैंने सारी पूरियां बना ली है और सारी पूरियां ही फूली फूली और सॉफ्ट बनी है। इस तरह आप भी फूली हुई और सॉफ्ट पूरियां बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। यदि मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।